और ये क्या चीज है, तो भाई साहब सीधा खोल के आप लोग को दिखाता हूँ ये क्या चीज है, इसको बताते हैं। अब चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इधर से भाई साहब फाइनली मैं आके ना पूरा सभी लोग को जगा दिया मोहल्ले का। ये देखो सब लोग आ गए भाई टमाटर लेने, सस्ता में दे रहे हैं टमाटर जो है 5 रुपए किलो टमाटर, पूरा करेट को ले लो बोल रहा हूँ तो कोई ले नहीं रहा है भाई साहब। एक नंबर है, जेमा के ले लो सब बढ़िया है। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, वापस से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के, देख सकते हो भाई साहब, देख रहे हैं 5:30 बज रहे हैं अभी, 5:34 और जस्ट अभी मैं सो के उठा हूँ। सो के उठने के बाद मूड होया, फिर स्वेटर पहना और अभी ना जाने वाले भाई सब सब्जी बेचने के लिए। और गाइस ये देख सकते हो फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ मंगाया है, देखो पार्सल आया अपना। और ये क्या चीज़ है उसको आप लोग को मैं सब्जी बेच के आने के बाद दिखाने वाला हूँ। और ये जो है भाई सब लगभग 13 से 14 दिन लगा इसको मेरे पास आने में, ऑर्डर किया था 13-14 दिन पहले, लेकिन ये फिलहाल कल पहुंचा मेरे पास। जिसको भी रखा है मैंने भी खोल के नहीं देखा है, लेकिन आप लोग को दिखाऊंगा इसको खोल के सब्जी बेच के आने के बाद। अभी फिलहाल चलते हैं बाहर भाई, देखते हैं कौन कौन उठा है सो के, फिलहाल कोई उठा नहीं था। दरवाजा खोलते हैं, हो कोई नहीं उठा है, सब सोए भाई, नाना नानी मैं बस उठा हूँ। देखो हाँ चलो गाड़ी को, अंधेला है यार अभी तो उजाला हुआ नहीं है, पूरा अंधेला अंधेला देख सकते हो। गेट को खोलते हैं पहले, और ना ये देखो टमाटर जो बचा हुआ मेरा टमाटर और सेमी उसको लेके जाने वाला हूँ अभी बेचने। ये पेपर आ गया है, न्यूज़पेपर आया है भाई साहब, ये देखो न्यूज़पेपर छोड़ के चला गया, बिलासपुर से आता है ये जो है। और अभी देख सकते हैं पूरा अंधेला है भाई, रोशनी होने, ये देखो नाना भी उठ गए हैं, बाबू उठे शायद अभी अभी उठे, नाना जो है मेरे को पता नहीं था उठ गए हैं करके, वो भी अभी उठे होंगे। गाड़ी जो है पीछे है तो गाड़ी को चल निकालता हूँ बाहर, और जो सामान है ना उसको लोड करता हूँ गाड़ी के ऊपर। तो भाई साहब अभी मैंने देखो पूरा सामान पैक कर लिया अपने गाड़ी पे, दोनों साइड जो है टमाटर को डाला है और बीच में सेमी, बस 3 कैरेट बस का सेटअप है, ज़्यादा सामान नहीं है, सिर्फ 2 कैरेट टमाटर और सेमी, यही बस कल का बचा था। कल का मार्केट आप लोग को दिखा नहीं पाया यार, इतना खतरनाक मार्केट था भाई साहब कि क्या ही बताऊँ मैं, एक साथ इतने सारे कस्टमर आए भाई कि मैं तोल नहीं पा रहा था, पूरा सब तराजू के ऊपर मेरे धड़ 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 फेंके जा रहे थे सामान को, और पूरा का पूरा हालत ख़राब हो गया था मेरा, थक गया था मैं, कब ये लोग भगे ऐसा करके सोच रहा था, सांस लेने का भी टाइम नहीं था भाई साहब, तो इसलिए ये सामान बच गया, नहीं तो ये भी बिक जाया रहता, अगर मान लो इसको मैं तौल पाता ना तो मैं तौल नहीं पा रहा था, इसलिए ये नहीं बिक पाया था। कोई दिक्कत नहीं है, चलो अभी फ़िलहाल उजाला होने का वेट कर रहा हूँ मैं, लगभग 6 बजने वाले हैं लेकिन अभी भी फिर भी अंधेला है यार। तो चलो चलते भाई साहब, जो उठ गए होंगे वो खरीदेंगे और जो नहीं उठे होंगे उनको मैं जो चिल्ला चिल्ला के उठा दूंगा भाई। अभी भी देखो अंधेला है भाई साहब, उजाला हुआ नहीं अच्छे से लेकिन इतना काफ़ी है, मैं इतना सहन कर लेता हूँ। चलते हैं तो कहाँ पर बाल्टी भर के खा ले, कहाँ गा, चल आज टमाटर लाया है 2-3 करे आया हो दे दूँ। चलो भाई साहब इधर चलते हैं, ये टमाटर है। चलो भाई काफी सुबह सुबह गाँव वाले भी आज बोलेंगे बहुत जल्दी उठ के आ गए ये करके। हाँ मामी टमाटर टमाटर ला। तो भाई साहब फाइनली यहाँ पहुँच गए और अभी अंधेला है लेकिन उठ गए हैं भाई, देखो पब्लिक वो उधर झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं। ले आलू भाटा टमाटर रे भाई साहब, फाइनली मैं आके ना पूरा सभी लोग को जगा दिया मोहल्ले का। ये देखो सब लोग आ गए भाई टमाटर लेने, सस्ता में दे रहे हैं टमाटर जो है 5 रुपए किलो टमाटर, पूरा करेट को ले लो बोल रहा हूँ तो कोई ले नहीं रहा है भाई साहब। एक नंबर है, जेमा के ले लो सब बढ़िया है, सेमी है टमाटर है आलू है भाटा है गोभी है, अरे सॉरी आलू भाटा गोभी नहीं है यार, सिर्फ टमाटर और सेमी और धनिया मिर्चा। एक आखर कुकुर आ गया, वो नानी सब वो दोनों, और दोनों करिया करिया है,
इधर ना। गाइज आप लोग के मोहल्ले में आप लोग के इधर अगर हो गए दोनों कुत्ते के लिए जोड़ीदार तो ढूंढो। हाँ तोला तो चलो भाई साहब तोलते हैं टमाटर को। तो भाई साहब बस्ती के अंदर से बेचने के बाद अभी आ गया मैं ये बाहर सड़क किनारे और देखो यहाँ फिर बेच रहे हैं फिर से टमाटर। यहाँ जो है टमाटर देखते हैं सिर्फ टमाटर टमाटर ही बचा भाई। सेमी वगैरह तो थोड़ा सा सेमी है थोड़ा सा टमाटर है। अब यहाँ से फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो भाई साहब अभी आए थे यहाँ होटल के पास और जो टमाटर बचा हुआ था पूरा बिक गया भाई। देखो पूरा एक के टमाटर था उसको मामा जी ने खरीद लिया है। मस्त भाई साहब अब पूरा टमाटर का चटनी बनेगा। एक नंबर क्वालिटी वाला टमाटर देखो भाई साहब जबरदस्त। तो चलो टमाटर अपना ख़त्म। एक केट इस साइड का और बचा है। एक केट नहीं है आधा की रेट है और इधर सेमी है थोड़ा सा। तो देखते हैं अब इसको और एक आध ग्राहक इन्हीं के जैसे ढूंढते हैं फिर। और अभी देखो मनहर भी आ गए। गुड मॉर्निंग भाई क्या कर रखे हो यार। बर्रे भाजी है। हाँ और बैगन और टमाटर टमाटर। तो चलो फिर अब किधर चले भाई। ऐसे चलो फिर इधर ही चलते हैं। तो भाई साहब यहाँ आए थे बेचने के लिए और ना अपना पूरा सामान खत्म हो चुका है देख सकते हैं। पूरा कैरेट्स खाली सभी को बेच दिया मैं। टमाटर सेमी वगैरह वगैरह सब खत्म। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं भाई साहब अब घर। चलो चलते हैं फिर पहुँच के आपको बता दूँ कितने का सेल किए सुबह सुबह मैं जो है। तो भाई साहब फाइनली पहुँच चुके घर। ये देखो खाली कैरेट्स को रख दिया है और उधर देख सकते हैं नाना जो है आग ताप रहे हैं भाई सुबह सुबह। तो चलो सुबह अभी रोटी बन रहा है नाश्ता कर ले रहा हूँ मैं फिर आगे बातें करते हैं भाई साहब। तो भाई साहब अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं जो है आया हुआ था घर के काम करने। देख सकते हैं यहाँ पास पूरा पैरा का वर्क किया भाई साहब और अभी फ़िलहाल पूरा काम ख़त्म हो गया है। लगभग सुबह जो है नाश्ता किया 8 बजे फिर उसके बाद यहीं आया था। तो 8 से 12 लगभग 4 घंटा वर्क किए। अब यहाँ चलो चलते हैं फिलहाल नहाने के लिए। नहा धो लेते हैं यार पूरा और कपड़ा भी धोना है नहाना भी है फिर उसके बाद आप लोग को जो पार्सल आया उसको दिखाना भी है कि क्या आया है उसको। तो चलो नहाने चलते हैं भाई साहब। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4 और फिलहाल मैंने नहा लिया है यार। नहाने के लिए आया था अपने खेतों की तरफ और नहा के खाना भी खा लिया है। सुबह सुबह मैं दिखाया था कि एक पार्सल आया जिसको मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से और इसको मेरे को लगभग 14 से 15 दिन हो गया था भाई मंगाए जो कि आज आया 14-15 दिन बाद। और देख सकते हो वो क्या चीज़ है ये देखो भाई साहब। तो ये है अपना पार्सल। इसको मैंने भी अभी तक खोल के नहीं देखा है यार और इस पर जो है एड्रेस मैंने भाई के शॉप का दिया था तो वो खोल के देख चुका है और मैंने भी मतलब मैंने देखा ही नहीं है खोल के कि आखिर ये है कैसा और ये क्या चीज़ है। तो भाई साहब सीधा खोल के ही आप लोग को दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है इसको। अब चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इधर से ये देखो भाई साहब अब आप लोग इतना देख के समझ गए होंगे क्या है करके। और ये क्या है यार ये डैमेज है क्या फट गया क्या ये यहाँ पास से। नहीं फटा नहीं है भाई साहब ये ऐसे ही डिज़ाइन है यहाँ पास से खुलने के लिए फटा नहीं है। मैं शुरू में देखा लगा मेरे को कि ये डिफेक्टिव पीस आ गया क्या करके। अब खोलते हैं इसको ओपन करते हैं कैसे होता है यार। ऐसे इसको दबाते हैं तो होता है क्या नहीं ऐसे शायद हाँ ऐसा होता है ये बटन है शायद बटन को ऐसा दबाना पड़ता है। फर्स्ट टाइम है ना मेरा भी मेरे को पता नहीं था ये ऐसे और ये आ गया भाई साहब। तो ये देख सकती हूँ आइटम जिसको मैंने मंगाया भाई साहब ट्राईपॉड। और ये कितने का पड़ा है फिलहाल उसको भी आप लोग को बताता हूँ मैं। पहले देखते हैं कि इसका क्वालिटी जो है कैसे फिर प्राइस भी बताऊँगा। ये क्या है भाई ये है माउंट है मोबाइल माउंट करने के लिए। यार काफ़ी अच्छा लग रहा है जो पुराना वाला ट्राईपॉड था ना उससे बहुत बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा ब्रांडेड टाइप से ओपन इसका पन्नी भी और एक क्या बोलते सीवो का 100 रुपये का कैशबैक है यार। ये कोड देख सकते हैं ये जो ट्राईपॉड है ना ये कंपनी का नाम है सीवो कंपनी इसका। तो इसको रखते हैं साइड में और फिलहाल भाई साहब ये देख सकते हैं ये अपना ट्राईपॉड जो कि काफ़ी अच्छा है जो पिछले वाला जो ट्राईपॉड था ना उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई। और ये इसको मेरे पास आने में लगभग 14 से 15 दिन लगा भाई 14-15 दिन बाद मेरे पास पहुँचा है। तो देखते हैं कैसे वर्क करता है। काफ़ी अच्छा है यार बहुत बढ़िया। और इसको भी लगाते हैं ऊपर में मोबाइल से तो फिलहाल अभी रिकॉर्ड हो रहा है ले देखते हैं मोबाइल पकड़ने वाले मिले हैं। ये देखो ऐसा करके इस पर ऐसा लगता है हाँ ऐसा ही लगता है ये
कसा क्यों नहीं रहा भाई? हाँ कसा रहा है, कड़ा हो रहा है, ये हो गया कड़ा। और इधर जो है ना ये DSLR के लिए है, ऐसा पीछे से लगा सकते हैं DSLR के लिए। और ये देख सकते हैं ये अपना रेडियो भाई साहब ट्राइपॉड, जो कि काफ़ी मतलब बहुत बढ़िया है। यहाँ पास ये क्या लगा है मेरे को नहीं पता, ये क्या चीज़ है, क्या स्टिकर टाइप से। अब क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है इसका, देख सकते हैं ये कैसे कैसे होता है। ये देखो यहाँ से यहाँ एक नट दिया गया है। अरे ये ओपन कैसे होता है भाई? हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया, ये ढीला, हाँ ये ऐसे होता है। ऊपर इसका मैक्सिमम हाइट कितना है ट्राइपॉड का उसको देख लेते हैं भाई। इतना ही शायद होता है यार, इससे ज़्यादा नहीं होता, निकल जाएगा इससे ज़्यादा करूँगा तो। और इस पर तीन और है भाई, तीन स्टेज में, देखते हैं कितना बड़ा हो जाएगा ये। वो और एक और, मतलब काफ़ी इतना बड़ा ये हो सकता है, काफ़ी बड़ा है भाई, ये देख सकते हैं इतना खुलेगा। मतलब अब व्लॉग करने में ना काफ़ी मज़ा आएगा भाई। ये लग गया तीनों, ऑफ करते हैं तीनों को बंद, इसको भी करते हैं नीचे। और यहाँ देखो लेबल इसका मतलब ऊपर है नीचे करके एक इंडिकेटर भी है लिक्विड। इसको ये यहाँ पास कड़ा है यार, काफ़ी कड़ा है यहाँ। वैसे तो मैं टेक्निकली उतनी अच्छी तरीके से आप लोग को नहीं बता पाऊँगा इसके बारे में, बस यूज़ करूँगा ना तो आगे आप लोग को बताऊँगा कि ये कैसे कैसे रहता है। ये शायद ऐसा ऊपर नीचे करने के लिए, हाँ ये इसे ढीला और कड़ा किया जा सकता है ये जो है ऊपर नीचे करने के लिए। तो इसको रखते हैं। अब बताता हूँ भाई साहब कि ये फाइनली मेरे को पड़ा कितने का है। ये जो है भाई साहब मेरे को पड़ा है, इस पर भी इसका प्राइस नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है वो नहीं पता, लेकिन मैंने इसका पे किया है 899 रुपीज़, मतलब कि 900 रुपीज़ का पड़ा है, जो कि बहुत मतलब क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसके यार, बहुत अच्छा क्वालिटी लग रहा है इससे। इसको मैंने खास ना व्लॉगिंग के लिए ही लिया है, वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं दुकान पर रहता हूँ अपने, तो भाई उस टाइम वीडियो बनाते नहीं बनता है, और कभी कभी बाहर भी ज़रूरत पड़ जाता है, बिना ट्राइपॉड के मज़ा नहीं आता है, इसलिए ये वाला ट्राइपॉड ऑर्डर किया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है भाई सब। तो ये देख सकते हैं, आप लोग बताओ कि आप लोग को कैसा लग रहा है भाई ट्राइपॉड जो है। वैसे तो मेरे को बहुत पसंद आया भाई, देख के इसको बहुत अच्छा लगा। ये देखो काफ़ी अच्छा है यार, बहुत ही सुंदर है ये ट्राइपॉड, छूने में भी अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। अभी रखते हैं इसको साइड में। और गाइस आज तो मार्केट में गया नहीं था, तो घर के काम कर रहा था, फिर उसके बाद इसको दिखाया अनबॉक्सिंग, तो अभी मैं जाऊँगा फिर वापस से घर थोड़े टाइम बाद, और कहीं तो जाना नहीं है। और जो कल का वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, कल जो है ना कुछ स्पेशल वीडियो आने वाला है, कुछ प्लानिंग कर रखी है मैंने, तो कल का वीडियो ज़रूर देखना। और आज के ब्लॉग को ना यही एंड करते हैं, मिलते फिर आप लोगों से एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय। तो गाइस गुड इवनिंग, अभी बज रहे हैं शाम के 4, और देखा कैसे आप देखें।